मौसम में बाबर आजम आपको लगता है ठीक है, इफ़ी भाई भी इख्तलाफ करते हैं स्ट्राइक रेट में, और लोग भी बहुत इख्तलाफ करते हैं, बल्कि मैं अगर कहूँगा इफ़ी भाई तो चले किसी और रीजन से करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसके खिलाफ एक कैंपेन भी बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन अब हम ये देख भी रहे कि अपने गेम्स भी उन्होंने चेंज किए, आज भी उन्होंने थोड़ा बर्फ रफ्तारी से रन स्कोर किया। देखिए एक तो मैं बात कहूँगा, मैं ऑनेस्टली ये नहीं कि आप इफ़ी मेरे साथ बैठा है, आप मेरे साथ बैठे हैं, आप लोगों ने अगर उस पर कोई तनकीद की है तो उसकी कोई वजह है। साइमन डोल कहाँ से क्रिकेट को इतना समझने लगा कि वो बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज करे भाई। हाँ इंटरनेट हम गोरे को हम देखते हैं, एक तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉरी टू से गोरा आ जाए भला ऑर्डिनरी हो उसको हम वो पहाड़ बनाए थे। गोरा मतलब फॉरन कहना, गोरे तो आप भी हैं। नहीं नहीं मैं तो वैसा गोरा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी, अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा सा रंग साफ दिया है उसका करम है, लेकिन इतना भी नहीं हो जाएगा अगले को जेलेसी होने लगे। तो कम हो गया मोहसिन भाई का रंग, अब कम हुआ है, इतना भी साफ नहीं हो जाएगा अगले को जेलेसी होने लगे। नहीं लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी उसके, लेकिन इन लोगों को अगर मैं समझ सकता हूँ एक विव रिचर्ड टाइप का आदमी या एक क्लास का बैट्समैन अगर उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करे, आपके जो भी कमेंटेटर भी जो हैं बाहर वाले किसमें कौन है कैलिबर का मुझे बता दिए। हाँ अगर डेविड गावर जब आता है तो इसमें क्लास नजर आती है उसकी बातों में, और देखिए जितना जो अच्छा प्लेयर होगा ना वो कभी भी तनकीद ऐसे नहीं करेगा, एक इशारा दे देता है कुछ करेगा। अब इफ़ी को मैं जानता हूँ, इफ़ी प्रोड्यूस करते रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट का बरसों से चैनल के लिए, जिसके लिए आपने भी काम किया है, मैं भी उसके लिए बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ। आपका मुझे समझ में आती है कि आप पूरा रीड करते हो पाकिस्तान क्रिकेट का, तो आप लोगों को एक बनता है कि भाई तनकीद करना कि हमारी टीम को नुकसान कहाँ पहुँच रहा है। मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर मैं कोच होता तो मैं बाबर को कहता बेटा मैं तुम्हें इसमें 2020 में नहीं खिलाऊँगा, इसलिए तुम्हारा गेम जब ज़रूरत होगी कभी खिलाऊँगा, देखूँगा अगर टीम स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आई टेल यू व्हाट, बाबर आजम इस कोई शक नहीं है दुनिया का इस वक्त बेहतरीन जो बैट्समैन है दो चार उनमें से उसका नाम है, इसमें कोई शक नहीं है।